फैमिली कैसे हैं जी। आप सब आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी अदाकार जोड़ियों ने ईद के दूसरे दिन किस तरह से फिर रोमांटिक पोजेज में तस्वीरें अपने मदाहों के साथ शेयर की हैं। पलक छुपी और सारा खान ने शादी के तीसरे साल ये ईद मनाकर अपने मदाहों को हैरान कर दिया, क्योंकि इनको जब भी देखे ऐसा ही लगता है कि इनकी शादी अभी नई नई हुई है। अली अंसारी और सबूर अली की शादी की पहली ईद ने तो इन सबको हैरान करके रख दिया। उन्होंने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में तमाम तस्वीरें अपने मदाहों के साथ शेयर की हैं। इसी तरह से मुनीब और एमन की शादी को ये चौथा साल जा रहा है और इनकी तस्वीरें भी इतनी खूबसूरत आई इनको देखकर लगता ही नहीं कि अपनी शादी के बाद ये चौथी ईद मना रहे हैं। दोनों ने बहुत ही रोमांटिक पोजेज में तस्वीर अपने मदाहों के साथ शेयर की। हमारे तमाम तर अदाकारें बेहद खूबसूरत लग रही है। तमाम तर वो अदाकारें हैं जो अपने शोहरों के साथ खूबसूरत लगती हैं और उन्होंने अपनी तमाम तर तस्वीर अपने मदाहों के साथ शेयर करके उन्हें खुश कर दिया है। इस साल तमाम तर जोड़ियों ने बहुत ही रोमांटिक पोजेज में तस्वीर अपने मदाहों के साथ शेयर की है, क्योंकि इस दफ़ा सब ने खुलकर ईद मनाई है, क्योंकि इससे पहले कोरोना वायरस की वजह से हमारी किसी भी अदाकारा ने अपनी ईद इसी तरह से नहीं मनाई और उन्होंने अपनी तस्वीरें भी अपने मदाहों के साथ बहुत ही कम शेयर की थी। लेकिन इस साल इन्होंने ये तमाम तर गिले शिकवे अपने मदाहों के दूर कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ये जरूर बताइएगा कि कौन सी जोड़ी आपको सबसे ज़्यादा बेहद खूबसूरत लगी और तमाम तरह अदाकारें ईद के दूसरे दिन कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ये भी ज़रूर आपने बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अच्छी से वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।